हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी रूफ में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेरियस सोर्स ऑफ फ्यूल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। और इससे पहले मैंने आपको एनर्जी क्या होती है ये सारी चीजें बता दी थी, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, एनर्जी क्या होती है मैंने आपको बताया था, ये वो होती जिससे हम काम को करते हैं, ठीक है, किसी कार्य को करने के लिए, जो भी शक्ति की जरूरत हमें पड़ती, पावर की जरूरत पड़ती, वो हमारी एनर्जी होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एनर्जी कितने टाइप की होती है, तो देखिए इसमें दो तरीके से है कि अगर हम ट्रेडिशन की बात करें, ठीक है, ट्रेडिशन की बात करें अगर, तो ये कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दो टाइप की होती है। और अगर हम यूज के आधार पर बात करें, यूज या डिप्लीशन के आधार पर, ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल भी होती है, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं, कन्वेंशनल स्रोत को कहते हैं जो मतलब परंपरा से चलते चले आ रहे हैं, जैसे कि हमारा पेट्रोल हो गया जो एक ट्रेडिशन में है, डीजल हो गया, ये सब हो गए। नॉन कन्वेंशनल होते हैं जो प्रचलन में नहीं है, जैसे कि विंड एनर्जी है, ठीक है, और हाइडल एनर्जी है। और रिन्यूएबल वो कहते हैं जिनका सोर्स कभी खत्म नहीं होगा या दोबारा से वो रिन्यू हो जाते हैं, सोर्स नॉट डिप्लीट। जैसे एग्जांपल में देखें तो सोलर एनर्जी हमारी, विंड एनर्जी हमारी, और नॉन रिन्यूएबल उन्हें कहते हैं जिनके सोर्स डिप्लीट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, सोर्स डिप्लीट्स। कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, तो ये सारी चीजें हमारे एनर्जी की क्लासिफिकेशन थी। इसमें हम एनर्जी और फ्यूल्स की बात करेंगे। सबसे पहले है हमारा कोल, तो आइए कोल के बारे में जानते हैं। देखिए, कोल एक नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या है, इसके सोर्सेस डिप्लीट हो जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे एक समय के बाद, क्योंकि लाखों साल का समय लगता है इसको बनने के लिए, और खत्म ये 5 मिनट में हो जाता है जल्दी, ठीक है, 10-15 मिनट 5 मिनट में जल के खत्म हो जाता है। तो आप समझिए कि इसके समाप्त होने की रफ्तार इसके बनने की रफ्तार से कहीं ज्यादा है। अच्छा, और एक चीज देख लेते हैं कि जो कोल होता है वो मेनली थर्मल एनर्जी, प्रोड्यूस करता है, और इस थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, ठीक है, एंड एटसेट्रा। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है, ये एक बहुत बड़ा सा ये ऐसा बॉयलर टाइप का रहता है, ठीक है, जिसमें पानी भरा रहता है और नीचे इसको कोल से हीट किया जाता है, ठीक है, और ये पानी बॉयल होके स्टीम बनता है, और ऊपर यहाँ पर टर्बाइन लगे होते हैं, ब्लेड टर्बाइन के, और स्टीम इसको रोटेट कराते हैं, ठीक है, और जब ये स्टीम इसको रोटेट कराते हैं तो इस टरबाइन के रोटेट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये चीज क्लियर हो गई आपको, तो ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर कोल की वैरायटीज की बात करें, देखिए कोल मुख्यतः 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से कोल होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले तो आता है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट कोल आता है, और इसमें 80% तक कार्बन कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद आता है, ये सबसे अच्छा माना जाता है, उसके बाद आता है बिटुमिनस, ठीक है, और इसमें 65 से 80% तक कार्बन होता है,
बाद आता है लिग्नाइट, और देखिए ये 55 से 65% तक कार्बन रहता है। उसके बाद जो लास्ट में है पीट, ठीक है, तो ये सबसे लो क्वालिटी का होता है, लो क्वालिटी। और इसमें देखिए 45 से 55 या इससे भी बिलो होता है, तो ये तो इकोनॉमिकल नहीं होता, नॉट इकोनॉमिकल। सबके बारे में जान लेते हैं। अगर एंथ्रासाइट की बात करें, देखिए एंथ्रासाइट जो कोयला है, ठीक है, ये भारत में सिर्फ एक जगह जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। और जो बिटुमिनस कोल है, 98% कोल भारत का बिटुमिनस है, ठीक है। उसके बाद लिग्नाइट की बात करते हैं, तो लिग्नाइट सिर्फ एक जगह पाया जाता है, और वो है नेवेली तमिलनाडु में, ठीक है, ये पाया जाता है। तो देखिए वेस्ट बंगाल और जो झारखंड है वो भारत की प्रमुख यहाँ पर खाने हैं, ठीक है, प्रमुख खाने हैं, और ये बिटुमिनस कोल प्रोड्यूस करती हैं। तो ये चीज के बारे में आप क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद देखते हैं पेट्रोलियम के बारे में। तो देखिए इन्हें ये एंशियंट मैरीन ऑर्गेनिक जो है उनके चरण से प्राप्त हुए हैं, इसीलिए उनको फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। फॉसिल का मतलब होता है कंकाल। तो जो मरीन या जलीय जीव हैं, कई लाखों साल पहले वो मर गए, और उनका जब निक्षेप हुआ तो इस निक्षेप से क्रूड ऑयल निकला, क्रूड ऑयल जिसे कच्चा तेल भी कहते हैं हम लोग, कच्चा तेल कहते हैं। तो इस कच्चे तेल को निकला, और देखिए ये एक थिक यानी गाढ़ा, ये गाढ़ा होता है, स्मेल करता है, फ्लेमेबल होता है, येलो टू ब्लैक कलर होता है, गैसियस लिक्विड और सॉलिड हाइड्रोकार्बन भी होता है। अगर बात करें पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, पेट्रोलियम जो कच्चा तेल होता है उसको काला कलर का होता है, और उसको रिफाइन करके ही, रिफाइन करने के बाद उससे पेट्रोल निकाला जाता है, उससे डीजल निकाला जाता है, इसी से HSD यानी हाई स्पीड डीजल भी निकाला जाता है, इसी से LDO यानी लो डेंसिटी ऑयल भी निकाला जाता है, और इसी से देखिए हमारा वैक्स आता है, इसी से मोबिल आता है, और इसी से ही देखिए हमारा वैसलीन आता है जो हम लगाते हैं। और देखिए इसमें अदर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आते हैं, ये सब शोधन करके निकलते हैं, और इनका सोर्स क्या होता है, कच्चा तेल, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता हो गई। ये देखिए यहां पर जो आपको दिख रहा है ये शोधन प्रक्रिया है, शोधन प्रक्रिया है, और साथ साथ आप यूपी टेट और सी टेट के लिए कह रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि तेल शोधन का, तेल शोधन कहाँ कहाँ है, तेल शोधन कहाँ कहाँ होता है। देखिए एक तो बरौनी में, और एक मथुरा में है, मथुरा, ठीक, ये तो कुछ तेल शोधन है, बरौनी ये बिहार में है, मथुरा यूपी में है। उसके बाद देख लेते हैं कि सबसे पहले अगर बात करें तो तेल कहाँ पर मिला था, सबसे पहले देखिए 1869 में डिगबोई एक जगह है जो कि असम में, वहां पर भारत में सबसे पहले खोजा गया था, ठीक है।
और उसके बाद देखिए अन्य जगह है नुमालीगढ़, ठीक है, नुमालीगढ़ है। और इसी क्षेत्र में एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो भारत का मैप है, देखिए ये जैसा कुछ हमारा भारत का मैप है, ठीक है, ये जो हमारा भारत का मैप है, इसमें देखिए मुंबई से लगभग 200 नॉटिकल मील वेस्ट यहां पर एक जगह है जिसका नाम है बॉम्बे हाई। और इस बॉम्बे हाई से देश में उत्पादित होने वाला, देश में उत्पादित होने वाला 65% मान लेते हैं कि 100 लीटर पूरे भारत से उत्पादित होता है, तो 65 लीटर तो सिर्फ बॉम्बे हाई से आता है। एक चीज और जान लीजिए कि जो भारत है वो 80% तेल की खपत के लिए, ठीक है, खपत के लिए डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे कि भारत में आवश्यकता है 100 लीटर की, तो सिर्फ ये 20 लीटर तेल ही प्रोड्यूस कर पा रहा है, बाकी 80 लीटर के लिए इसको बाहर की जगहों को तलाशना पड़ता है, और ये लगातार बढ़ती जा रही है। उसके बाद देख लेते हैं इस्तेमाल, तो ये एलपीजी है, एलपीजी होम इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल आता है, पेट्रोल तो आपको पता ही होगा, केरोसिन भी होम और स्टोव लैंप्स और जेट एयरक्राफ्ट में, डीजल देखिए, और लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, ऑइलमेंट, कैंडल, वैसलीन देखिए मैंने आपको बताया था, और बिटुमिन, पेंट, रोड या सरफेसिंग, ये लास्ट प्रोडक्ट होता है बिटुमिन जो है ये लास्ट प्रोडक्ट होता है रिफाइनरी का, बचा खुचा जो होता है उसे कहते हैं, रोड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बिटुमिन को ही देखिए तार कोल कहते हैं, या कोल तार, ठीक है, तार कोल कहते हैं। अब आइए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देख दिया था, सेलेक्ट द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेट्रोलियम। तो देखिए स्मेली थिक डार्क कलर ऑयल्ड होगा, स्मेली होता है लेकिन थिन नहीं होता, ये मैंने आपको बताया था कि गाढ़ा होता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद ये प्लेजेंट स्मेलिंग, थिन ब्लू कलर नहीं होता, ये होता है ब्लैक, डेंस एंड डार्क फ्लूड विदाउट स्मेल, जी हाँ विदाउट स्मेल, यहां से हमारा सही आंसर वन हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम, देखिए ग्रीस, डीजल और वैक्स, मोबिल, वैसलीन, एक्स, ठीक है, जो कैंडल में होता है, जो जूते पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये सब, और बिटुमिन, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। तो इसमें मोबिल, वैसलीन, वैक्स, कैंडल और बिटुमिन ऐसी चीजें हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं, तो यहां पर कोयला है नहीं पाया जाता, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो कोक है, कोक क्या होता है, कोक इज प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, टफ, पोरस एंड ब्लैक, यूज्ड इन स्टील इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल, ठीक है। इसमें कोक में क्या होता है एक्चुअली कि जो ऊष्मा होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है, ऊष्मा होती वो ज्यादा होती है। तो यहां से देखिए कोल हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए इसी पर आया था, तो पेट्रोल, पैराफिन, वैक्स और ग्रीस पाए जाते हैं, लेकिन कोल प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, और देखिए इसका विस्तृत प्लेलिस्ट में एक क्लास है, वहां पर मैंने आपको विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी और जियो थर्मल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी चीजें वहां पर हमने डिस्कस की हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।